जुनेद। ओके जी, जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो है एक्यूट किडनी इंजरी। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक है। मुझे होस्ट तो बनाना जरा दूसरी दूसरे पे। उसका माइक नहीं कनेक्ट। ओके हो गया। अच्छा यार, जो बच्चों हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो एक्यूट किडनी इंजरी है। बच्चों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से मल्टीपल एमसीक्यूज आए, मैंने खुद देखे हैं। मैं आपको क्लास के बाद ये शेयर भी कर दूंगा। मेरे पास इसके लैब के भी सारे एमसीक्यूज पड़े हुए हैं। लेबेबल जेम्स में भी जो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। और जितने मेरे पास पास्ट एनआरई में एग्जाम में जो क्वेश्चन आया, वो भी मेरे पास सेपरेट पड़े हुए हैं इसी टॉपिक के ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके फौरन बाद मैं आपको ना वो सेंड कर दूँ। एक्यूट रेनल फेलियर या एक्यूट किडनी इंजरी, क्या इससे पता चल रहा है? पहले तो मुझे एक्यूट का मतलब बताए ना। एक्यूट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, less than 3 months बोलते हैं इसको। मतलब एकदम से अगर कोई इश्यू आ जाए किडनी के अंदर, एकदम से किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन छोड़ दे, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट रेनल फेलियर बोलते हैं। डेफिनेशन इसकी यही है। ठीक है, अब आपने याद इस तरह रखना है कि एकदम से किडनी में कोई ना कोई इश्यू हो गया जिसकी वजह से जो किडनी आपका नॉर्मल फंक्शन है वो छोड़ दे, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट रेनल फेलियर बोलते होते हैं। ठीक है, अब इतनी याद रखनी है। अच्छा, सबसे पहले अब आपको ना ये पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी कॉजेज हैं, क्या कंडीशन है, क्या इसकी टाइप्स हैं जो अक्यूट किडनी इंजरी करवा सकते हैं। इसको हमने आगे 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया। एक होता है प्री रेनल, मतलब कि किडनी से पहले कोई ना कोई इश्यू चल रहा है। एक होता है पोस्ट रेनल, मतलब किडनी के बाद कोई इश्यू है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक किडनी बनाई ऐसे करके, ठीक है, जैसे भी बनी है, इसकी पोस्ट रेनल मतलब किडनी के बाद में इश्यू है। ऐसे किडनी के पीछे आपको पता आर्टरीज आ रही हैं जो ब्लड लेके किडनी की तरफ आ रही होती है ना, रेनल आर्टरी आती है। अगर उस पर कोई इश्यू चल रहा है, इसको हम क्या इंडिकेट करेंगे इस पेशेंट के अंदर? क्या है? प्री रेनल इश्यू है। ठीक है, पोस्ट रेनल बता दिया, प्री रेनल बता दिया। थर्ड इसमें जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखना हुआ है, वो इंट्रेंसिक फेलियर, किडनी के अंदर कोई ना कोई इश्यू चल रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रेंसिक फेलियर भी बोलते हैं। दूसरा इसको जो हम नाम देते हैं, उसको कहते हैं एक्यूट ट्यूबुलर निक्रोसिस, में भी इसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, प्री रेनल क्या होता है बच्चों? किडनी से पहले, पोस्ट रेनल बाद में, और इंट्रिंसिक मतलब कि अब किडनी के अंदर कोई ना कोई इशू चल रहा है। ये तीनों बातें समझ में आ गई ना आपको कि प्री रेनल क्या होता है, पोस्ट रेनल क्या होता है? होता किसका माइक ऑन है? ठीक है, ये तीनों बातों आपने आपने समझ लिया कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, सबसे पहले आप इसकी ना नॉर्मल, अगर आपसे पूछे जाए कि डेफिनेशन क्या है एक्यूट किडनी इंजरी की अकॉर्डिंग टू मेडिकल, एक्यूट तो हमें पता चल गया जी, less than 3 months के अंदर अब आपका किडनी नॉर्मल फंक्शन छोड़ दे, उसको हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। सादे अल्फाजों में आप ये बात कर लो, इन शॉर्ट, मतलब आपको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आती। अगर वैसे आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाए, तो आपने बताना है कि less than 48 आवर्स के अंदर आपकी जो क्रिएटिनिन की रेशियो है वो कितनी हो जाए, 0.3 mg/dL से ज्यादा हो जाए, दिस इज नोन एज एक्यूट किडनी इंजरी। आपको पता है क्रिएटिनिन क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, आपकी मसल्स की ब्रेकडाउन होती है, उधर से क्रिएटिनिन निकलता है, फिर वो किधर जाता है? यूरिन में एक्सक्रीट होता होता है। ऑल दो के नॉर्मल भी बॉडी में थोड़ा बहुत रिटेन होता है, कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन पे हेल्प करता है। ठीक है, अगर तो हमारा less than 48 आवर क्या करे, आपका less than 48 आवर के अंदर अंदर आपकी जो क्रिएटिनिन की रेशियो है वो 0.3 mg/dL से ज्यादा हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर ये भी डेफिनेशन नहीं याद हो रही, दूसरी डेफिनेशन लिखें कि less than 48 आवर के अंदर आपकी जो क्रिएटिनिन की रेशियो है वो more than 50% हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? AKI कहते हैं, अगर आपको वो वाली याद नहीं हो रही। ठीक है, ये दूसरी डेफिनेशन थी। अगर आपको ये दूसरी भी याद ना हो, तो तीसरी डेफिनेशन में आपने इसकी ये बतानी है कि जो आपकी यूरिन आउटपुट है वो कितनी हो जाए, less than 0.5 ml/kg हो जाए। ठीक है, less than 0.5 ml/kg पर आर, मतलब कि 1 घंटे में आपकी जो यूरिन आउटपुट है वो 0.5 ml से डिक्रीज होने होना शुरू हो जाए, इसको भी हम क्या कहते हैं? एक्यूट किडनी इंजरी कह रहे होते हैं। ठीक है, बस ये इसकी नॉर्मल डेफिनेशन थी। क्या क्या मैंने बताया कि 48 घंटे से पहले उसकी जो क्रिएटिनिन रेशियो है 0.3 mg/dL से ज्यादा हो जाए, या 50% से आपकी क्रिएटिनिन की रेशियो ज्यादा हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ऐसी कौन कौन सी टाइप्स हैं जो आपका रेनल फेलियर करवा सकती है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया प्री, पोस्ट, और तीसरा मैंने कौन सा बताया था आपको? इंट्रिंसिक रेनल फेलियर बताया था, यही बताया था ना। अब सबसे पहले जो डिस्कस करने लगे हैं वो प्री रेनल एजोटीमिया। आप इसको प्री रेनल फेलियर कह लें या इसको एजोटीमिया कह लें?
सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बच्चों एजोटीमिया क्या होता है, किसी को पता है एजोटीमिया क्या होता है? हाँ जी, अब आपने ये बेसिक्स में भी मेरे ख्याल में 1-2 दिन पहले आपने ये खत्म किया है, सारी किडनीज को रिवाइज भी किया है, तो एजोटीमिया क्या होता है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन की रेशियो बॉडी में क्या कर जाए, बढ़ जाए, ठीक है, और ओलिगो यूरिया हो जाए, दिस इज नोन एज एजोटीमिया। इन शॉर्ट बस आप एजोटीमिया में ये याद रखें कि बी वन और क्रिएटिनिन की रेशियो बढ़ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एजोटीमिया बोलते होते हैं, बस इतना काफी है, मोर देन इनफ है। अब सबसे पहले प्री रेनल फेलियर को डिस्कस करने लगे हैं। मैंने आपको जब कार्डिक पढ़ाया था, आपको याद हो कार्डिक मैंने मेडिसिन पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था कि कितने परसेंट ब्लड आपकी किडनी की तरफ जाता है, याद है बच्चों आपके किडनी की तरफ कितने परसेंट ब्लड जाता है? 25%। अच्छा, कितने परसेंट जाता है? 25% आपका किडनी की तरफ ब्लड जा रहा होता है, किधर से? हार्ट से। हार्ट से ऐसे किधर जाएगा ब्लड? 25% जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट है, प्री रेनल मैंने आपको कहा था कि आपकी किडनी से पहले इशू होता है, ठीक है, मेरे पास एक पेशेंट है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर क्या होता है भाई, आपके हार्ट के अंदर से ब्लड ही बाहर नहीं निकल रहा होता, तो मुझे ये बताएं क्या 25% ब्लड जा सकता है किडनी की तरफ? शाबाश, आप जरा थोड़ा सा नहीं जा सकता, ठीक है जी, आपका जो 25% है वो ब्लड है किडनी की तरफ नहीं जाएगा, पहली इसमें कॉज लिख लें आप, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आपने खुद ही बता दिया। दूसरी कॉज इसमें क्या होगी, आप इसमें लिख लें कि फॉर एग्जाम्पल बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा है, सेप्सिस हो गया है। अब सेप्सिस वाले केस में क्या होता है, देखिए सेप्सिस होता क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना, सेप्सिस ये होता है, एक होता है सेप्टिसीमिया, ठीक है, एक होता है हमारे पास सेप्सिस, दोनों में कोई बच्चा इसको डिफरेंशियल पॉइंट बताए दोनों में, किसी को पता है सेप्सिस और सेप्टिसीमिया में क्या फर्क होता है? हाँ जी, हाँ जी, शाबाश, किसी को पता है? तुक्का लगा दो, गलत बता दो, कुछ नहीं होता, आगे से याद रहेगा। हाँ जी हमजा अजवत, सेप्सिस होता है इन्फेक्शन, वेरी गुड, और सेप्टिसीमिया होता है कि ब्लड में इन्फेक्शन आ जाना। अच्छा, अब इसमें याद रखना है कि सेप्टिसीमिया हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लड में जब आपका बैक्टीरिया कोई पैथोजन आ जाए ना, इन्फेक्शन ब्लड में आ जाए, उसको हम बोलते हैं सेप्टिसीमिया। सेप्सिस कंडीशन वो होती है कि जब आपके ब्लड में क्या आ जाए, इन्फेक्शन आ जाए, और उसकी वजह से वैजोडाइलेशन हो जाए, और वैजोडाइलेशन की वजह से आपका ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाए, दिस इज नोन एज सेप्सिस, ठीक है, सेप्सिस पे जाके आपका ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने ये याद रखनी है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट के अंदर सेप्सिस हो गया या सेप्टिसीमिया हो गया, मैंने आपको कहा कि अच्छा शराज बात सुनो, सेप्टिसीमिया का मतलब ये होता है कि ब्लड में आपका इन्फेक्शन आ जाना, इमिया आ गया ना, मतलब अब ब्लड की बात हो रही है, ठीक है, जब आपका इन्फेक्शन ब्लड में आ जाए, लेकिन सेप्सिस का मतलब ये होता है कि जो आपका इन्फेक्शन ब्लड में आया, ब्लड से रन करके वो स्पेसिफिक किसी ऑर्गन पे चला गया और उसने उस ऑर्गन को जाके डिसफंक्शन कर दिया, ऑर्गन अपना काम नहीं कर सकता उस इन्फेक्शन की वजह से, दिस इज नोन एज सेप्सिस, सिंपल डेफिनेशन इसकी ये, ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहा है, ठीक है। जब मैंने आपको बताया बॉडी में सेप्सिस होती है, तो सेप्सिस की वजह से बच्चों क्या होता है, वैसोडाइलेशन होती है, आपके जब ये इन्फेक्शन आता है बॉडी में, ये आप एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है, जब ये एंडोटॉक्सिन रिलीज करेगा बॉडी में ज्यादा से ज्यादा वैसोडाइलेशन होगी, तो जब बच्चों ज्यादा से ज्यादा वैसोडाइलेशन होगी, फॉर एग्जांपल पेरिफेरल आर्टरीज की, ये लेग्स वाली आर्टरीज की ज्यादा से ज्यादा वैसोडाइलेशन हो रही है, तो जो अब आपका हार्ट की तरफ ब्लड है वो कम नहीं जाएगा, वो कम जाएगा, तो जब हार्ट की तरफ कम ब्लड जा रहा है, कार्डिक आउटपुट कम नहीं हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी, तो क्या उसकी जो रेनल आउट वो जा रहा था, 25% ब्लड जा रहा था किडनी की तरफ, क्या वो नॉर्मल जा सकेगा उतना? हाँ जी शाबाश, क्या किडनी की तरफ उतना नॉर्मल ब्लड जा सकेगा? जल्दी जल्दी बताते जाए मुझे, साथ साथ, नहीं जा सकेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो आपका सेप्सिस है वो भी करवा सकता है एक्यूट रेनल फेलियर या प्री रेनल एजोटीमिया, किडनी से पहले इशू आ रहा है, बताते जाए जल्दी जल्दी, आपका सेप्सिस करवा सकता है? वो सोते नहीं गए, आपका सेप्सिस भी करवा सकता है, यार सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, 102 बच्चे सिर्फ आप यहाँ जवाब दे रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वैसोडाइलेशन हुई, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी लिख लें अपनी बुक पे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट के अंदर क्या हो गया, हाइपोवोलीमिया हो गया, हाइपोवोलीमिया क्या होता है भाई, फ्लूइड कम हो जाना बॉडी में, यही बोलते हैं ना हाइपोवोलीमिया, अब वो किस किस कंडीशन में हो सकता है,
जब बंदे के अंदर क्या हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, उसका कोई ना कोई उसका ब्लड लॉस हो रहा हो, जब ब्लड लॉस होगा तो अगेन कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कर जाएगी, तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज करेगी, 25% किडनी की तरफ ब्लड नहीं जाएगा, 25% किडनी की तरफ ब्लड नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्री रेनल एजोटीमिया। अब रेनल के पीछे इशू आ रहा है ना, इसकी वजह से आपका जो नॉर्मल रेनल था वो अपना फंक्शन छोड़ रहा था, तो हाइपोवोलेमिया हो सकता है। अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या हो गया, बार बार उसको वॉमिटिंग आ रही है, वॉमिटिंग की कंडीशन में भी क्या होता है, आपका फ्लूइड लॉस हो रहा होता है यार, जब फ्लूइड लॉस होगा उस पेशेंट के अंदर, फ्लूइड अगेन बॉडी में कम रह जाएगा, जब बॉडी में अगेन उसका फ्लूइड कम रह जाएगा, वही सारी कहानी दोबारा, 25% ब्लड कम जाएगा, डिहाइड्रेशन के केस में ये होता है, ठीक है। अगर किसी के अंदर डायरिया है उसके अंदर भी सारे यही सारे केसेस होंगे। हाँ जी, वेरी गुड जुनेद। अगर किसी के अंदर डायाफोरेसिस हो रही है, ज्यादा से ज्यादा पसीना आता है किसी को, ठीक है, उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, अगर एक्सेसिवली डायफोरेसिस हो रही है उसके अंदर भी आपका 25% मेंटेन नहीं रहेगा, जब 25% मेंटेन नहीं रहेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, अगेन उस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, प्री रेनल एजोटीमिया हो जाएगा। ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। अच्छा, अब आपसे एक बात मैं पूछता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पेशेंट आया है, उसका मैंने अल्ट्रासाउंड किया है, उसका मैंने अब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड किया है, उसकी रेनल आर्टरी स्टिनोसिस मुझे मिली, ठीक है, उसको हाइपरटेंशन थी बड़ी देर से, अब उसकी रेनल आर्टरी स्टिनोसिस की वजह से मुझे ये बताएं कि जो किडनी की तरफ 25% ब्लड जा रहा था, क्या वो अब नॉर्मल जा सकता है? हाँ जी बताएं जरा, नहीं जा सकता। जब वो नॉर्मल, क्योंकि स्टिनोसिस होगी ना, आर्टरी स्टिनोज कर की है, तो ब्लड उतना जाएगा नहीं, तो जब ब्लड उतना जाएगा नहीं तो अगेन कार्डिक आउटपुट उसकी डिक्रीज कर देगी, अगेन उसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, प्री रेनल एजोटीमिया हो जाएगा या प्री रेनल एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगी, ठीक है। ये आपने रेनल आर्टरी स्टिनोसिस वाली बात हमने किधर पढ़ी थी, सीवीएस में भी पढ़ी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मुझे ये बताएं, अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या हो गया, एक पेशेंट आया मेरे पास, उसको क्या इशू था, उसके मतलब कि ना मल्टीपल ज्वाइंट्स पेन हो रहा था, ठीक है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस था, मेरे पास पेशेंट आया, मैंने उसको ड्रग दे दी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएं, क्या ये प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करता है? इसने क्या कर दिया, प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर दिया। जब इसने प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर दिया, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते थे, वैजोडाइलेशन करवाते थे ना, तो भाई अब क्या हो जाएगी, रेनल आर्टरी की स्पेसिफिकली अगर वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो क्या उसकी वजह से अगेन वही सारे इश्यू होंगे, 25% ब्लड कम जाएगा, शाबाश जल्दी जल्दी बताते जाएं जी, उसका फ्लो कम हो जाएगा, 25% उतना ब्लड नहीं जा सकेगा, अगेन उस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, प्री रेनल फेलियर हो सकता है, ठीक है, समझ आ गई ये वाली इंपॉर्टेंट बात भी। दूसरी जब हमने क्या पढ़ी थी बच्चों, आपको याद होगा, अच्छे से याद होगा, कि जब हमने पढ़ा था रेनल के अंदर, उसके अंदर कार्डिक के अंदर पढ़ा था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, मैंने आपको क्या कहा था बच्चों, ये वैसोडाइलेशन नहीं करवा रहा था बॉडी में, याद आया कि नहीं आया, जब बच्चों ये बॉडी में वैसोडाइलेशन करवाता था, स्पेसिफिकली पेरिफेरल आर्टरीज की ज्यादा से ज्यादा वैसोडाइलेशन करवाएगा, अगेन उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हार्ट की तरफ उतना ब्लड नहीं जाएगा, अगर हार्ट की तरफ उतना ब्लड नहीं जाएगा तो कार्डिक आउटपुट दोबारा डिक्रीज, दोबारा 25% से ब्लड कम, अगेन वही उसको क्या हो गया, प्री रेनल इशू हो गया। हाँ जी, कॉजेज समझ में आई, कैसे करवा सकता है, किसी एक बच्चे को कोई एक बात भी ना समझ में आई हो इसमें से, पता चल गया कैसे प्री रेनल कैसे हो रहा सबके अंदर, ओके जी, अगर ये सारी बातें समझ में आएगी। अच्छा, अब ना एक इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, या आपको अभी जो मैं कॉज लिखवाने लगा हूँ इससे, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से या सेप्सिस से, इन तीन कॉजेस पे क्वेश्चन आता होता है जब भी एग्जाम में आता है, वो है हिपेटोरेनल सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको समझ में आना चाहिए, हिपेटोरेनल सिंड्रोम नाम से पता चल रहा है, हिपेटो का मतलब क्या होता है, शाबाश, हिपेटो का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी बताते जाए फिर उसकी लीवर, ठीक है, आपने मुझे बता दिया हिपेटो का मतलब है लीवर, अब इसका मतलब यह है कि बंदे के अंदर लीवर पे इशू था, उसकी वजह से रेनल को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, कितना अजीब सी बात है ना, कि मसला रेनल का है और मसला लीवर का है, उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो आपकी रेनल को नहीं मिल रही, किडनी को नहीं मिल रही, ये कैसे हो सकता है, देखें मेरे पास एक पेशेंट आया है, कौन सा, मेरे पास पेशेंट आया लीवर सिरोसिस का पेशेंट आया, अब लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट के अंदर आपको पता है पोर्टल वेन आपके जो आपके एब्डोमेन वाले एरिया से और आपके लोअर लिम्ब से ब्लड लेके आ रही होती है, किधर, लीवर से आगे जाता है ना इंफीरियर वेना कैवा में, पोर्टल वेन किधर प्रेजेंट होती है, लीवर के अंदर होती है, मेरे पास एक पेशेंट आया लीवर सिरोसिस का, जब मेरे पास एक पेशेंट लीवर सिरोसिस का पेशेंट आया है, उसके अंदर क्या होगा, जो पोर्टल वेन होगी ना बच्चों, मेरी पोर्टल वेन वो आगे ड्रेन नहीं कर सकेगी, किसके अंदर, इंफीरियर वेना कैवा के अंदर ड्रेन नहीं कर सकेगी, जब बच्चे वो इंफीरियर वेना कैवा के अंदर ड्रेन नहीं कर सकेगी, तो मुझे ये बताएं
जो हार्ट की तरफ उसका नॉर्मल ब्लड फ्लो जा रहा था, क्या वो जाएगा अब? नहीं जाएगा। जब हार्ट की तरफ उतना ब्लड फ्लो नहीं जाएगा तो मुझे ये बताएं कार्डिक आउटपुट कम होगी उसकी, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा उस पेशेंट के अंदर, उसके अंदर क्या होगा, रेनल को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी जो 25% जा रहा था भाई, कम मिलेगी तो क्या उसके अंदर प्री रेनल फेलियर हो सकता है? शाबाश, बताते जाएं क्या उसके अंदर प्री रेनल फेलियर हो सकता है? ओके जी, उसके अंदर प्री रेनल फेलियर भी हो सकता है। अब कोई एक बच्चा अपना माइक ऑन करे, ये जितनी मैंने कॉजेज बताई हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस सारे को रिपीट कर दो, किसी को भी समझ में आएगी तो बेशक ऊपर से देख के कर दो। कोई के कर दे, शिराज शिराज जरा माइक तो ऑन करना, ये रिपीट कर दो सारी बातें एक दफा ना, मैं जरा पानी पी लूँ। तो पहले आपने बताई थी कि किसी बंदे को कंजेस्टेड हार्ट फेलियर हुआ पड़ा है, तो जब कंजेस्टेड हार्ट फेलियर होता है तो उस बंदे का जो होगा हार्ट से तरह पंप नहीं करता है, जब हार्ट से तरह पंप नहीं करेगा तो हार्ट से फ्लूड जो होगा वो बाहर निकलेगा, जब हार्ट से फ्लूड बाहर नहीं निकलेगा तो जारी बात है आपकी किडनी को भी 25% जो ब्लड पहले मिलता था नॉर्मली उतना नहीं मिल पड़ेगा मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी किडनी सही तरह काम नहीं कर, आपकी किडनी जो होगी वो फेलियर की तरफ जाने लग जाएगी। एक ये काज हो सकता है। सेकेंडली ये भी हो सकता है अगर किसी बंदे के अंदर डिहाइड्रेशन हुई है या हाइपोवोल्मिक बॉडी, हाइपोवोल्मिक है मतलब कि उसकी बॉडी के अंदर फ्लूड ही कम है ड्यू टू के वॉमिटिंग ज्यादा होने की वजह से ही हो सकता है, या किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ, जब रोड एक्सीडेंट हुआ है तो सारी बात उसका ब्लड लॉस हुआ है, तो जब ब्लड लॉस हुआ तो उसकी बॉडी के अंदर उतना ब्लड नहीं होगा कि आपकी किडनी की डिमांड पूरी कर सके, तो जिसकी वजह से भी आपकी रिनल फेलियर हो सकता है। और एक ये तो कि आपका अगर किसी बंदे को रीनल आर्टिस्टिनोसिस हुई है, जब रीनल आर्टिस्टिनोसिस हुई है तो जारी बात है आपकी जो किडनी की तरफ ब्लड जा रहा है वो आर्टरी ही आपकी जो हो गई वो कंस्ट्रिक्ट हो गया, तो आपकी किडनी इतना ब्लड नहीं मिल सकेगा जितना नॉर्मली मिलता होता था, जिसकी वजह से भी आपकी जो किडनी होती है वो फेलियर की तरफ जा सकती होती है। उसके अलावा और हमने पढ़ा था कि नसेड्स जो हमने नॉन स्टेरॉइड स्टिमुलेटिंग जो पढ़े थे, नसेड्स ड्रग्स होती हैं ये भी आपके प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर देती होती है, जिसकी वजह से आपके वजह से कंस्ट्रिक्शन होती है और आपकी किडनी को उतना ब्लड नहीं मिल पाता जितना ऑलरेडी मिलता होता है, इसकी वजह से भी आपका प्री रेनल फेलियर हो सकता होता है। उसके अलावा आपके सेप्सिस, तो आपका सेप्सिस भी होता है वो भी कह सकता है, सेप्सिस में सेप्सिस हम उसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन आपके ब्लड के अंदर होता है और वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में जाके आपका किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में आपको जाके ना वहाँ पे जाके आपका एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करता है जो कि वैसो डायलेटर होते हैं, जिसकी वजह से अगर फॉर एग्जाम्पल लोअर लिम्स की जो आपकी तरफ लेग्स की तरफ ब्लड जाता है वहाँ पे ये वैसो डायलेटर करा देते हैं तो आपके हार्ट को ब्लड नॉर्मली जितना वापस जाता था उतना जाएगा नहीं है, जिसकी वजह से आपका कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो जारी बात है आपकी किडनी को भी इतना ब्लड नहीं मिल सकेगा। उसके अलावा अगर किसी बंदे को हीपेटोरिनल सिंड्रोम है, हीपेटोरिनल सिंड्रोम फॉर एग्जांपल किसी बंदे को लीवर सिरोसिस हो गई है, जब लीवर सिरोसिस हो गया तो आपकी जो पोर्टल वेन जो कि लीवर के अंदर पाई जाती थी जो कि आपके एब्डोमन और लोअर लिम्ब से ब्लड लेकर फिर वेना कैवी को देती थी, अब वो ये ब्लड दे नहीं सके क्योंकि आपकी लीवर सिरोसिस बंदे के अंदर हो गया, तो अब उसकी वजह से आपके जो हार्ट की तरफ ब्लड कम जाता है और कार्डियो कम होने की वजह से आपके रिनल को भी ब्लड कम मिलता है। शाबाश शिराज, वेरी गुड। अच्छा अब आगे आ जाओ जी, वेरी गुड शिराज यार। अच्छा अब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर क्या हो गया, प्री रेनल एजोटीमिया हो गया, उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? देखिए बच्चों मेरी बात सुने, जब आपका रेनल ब्लड जब आपका आरपीएफ ही कम जा रहा है तो मुझे ये बताएं, आरपीएफ है रेनल प्लाज्मा फ्लो, रेनल ब्लड फ्लो, तो मुझे ये बताएं क्या इस पेशेंट के अंदर जीएफआर डिक्रीज नहीं करेगा? जब आपका भाई ब्लड ही कम जा रहा है तो फिल्ट्रेशन रेट भी उतना ही कम होगा, शाबाश बताते जाएं, साथ साथ उसका जीएफआर भी कम हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एग्जामिनर पूछता है कि प्री रेनल एजोटीमिया में वाले केस के अंदर आपके जीएफआर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपने बताना डिक्रीज करेगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, इसके अंदर जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट हैं क्या अब वो बॉडी में ज्यादा नहीं हो जाएंगे? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन की जो रेशियो है वो ज्यादा नहीं हो जाएगी? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन की बच्चों रेशियो ज्यादा हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये भी याद रखना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या आ सकता है, मुझे ये बताएं क्या इस पेशेंट के अंदर ओलिगो यूरिया हो सकता है? ओलिगो यूरिया क्यों होगा भाई, जब किडनी की तरफ ब्लड ही कम जा रहा है तो यूरिन की प्रोडक्शन भी तो उतनी कम होगी ना, यूरिन डायल्यूटेड उतना कम होगा, तो ओलिगो यूरिया आ जाएगा इस पेशेंट के अंदर। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि प्री रेनल वाले फेलियर वाले पेशेंट के अंदर कौन सा यूरिन देखते हैं, आपने बताना है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन देखते हैं, ठीक है? उसकी रीजन बताता हूँ क्यों।
देखें, जब हमारी किडनी की तरफ ब्लड ही कम जा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 25% नॉर्मल जा रहा था, 20 से 25%, अब जा रहा 12%, तो किडनी का ये कोशिश होगी कि मेरे पास जो 12% आ रहा है वो मैं 12 का 12 किसी तरीके से अपनी बॉडी में रीअब्जॉर्ब कर दूं, मैं उसको यूरिन में ना जाने दूं, ठीक है। जब वो यूरिन में नहीं जाने देगी, उसकी वजह से बच्चों ओलिगो यूरिया हो जाएगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा दूसरा काम वो ये करेगी कि जो आपके आइंस होते हैं ना स्पेसिफिकली, वो उसको यूरिन में फेंकना शुरू कर देगी। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा ग्रेटर देन 500 mOsmol/kg की यूरिन की ऑस्मोलरिटी होगी, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, एग्जामिनर पूछ लेता है कि यूरिन की ऑस्मोलरिटी पे क्या फर्क आ रहा है, ठीक है। ओलिगो यूरिया हो रहा है तो क्यों हो रहा है इस पेशेंट के अंदर, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की क्या रेशियो है इसके अंदर, आपने वो बतानी, क्रिएटिनिन की रेशियो, अच्छा ये भी लिख लें, ब्लड यूरिया इसके अंदर क्रिएटिनिन की जो रेशियो होगी ना वो 20:1 होगी, ग्रेटर देन 20:1, ठीक है। ये पूछते नहीं है इसकी रेशियो, बस इतनी आप याद रख लें कि जो इसकी रेशियो है ना वो 20:1 से ज्यादा होगी। इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, ये कास्ट में से आता होता है, वो क्वेश्चन इस तरह देगा, एक पेशेंट आया, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, आपने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया, उसका ब्लड प्रेशर था 60-80, उसका ब्लड प्रेशर था, ठीक है, उसका बीपी मतलब कि क्या है, लो है उस पेशेंट के अंदर। जब उसके अंदर ब्लड प्रेशर कम है तो आप कॉमन सी उसने साथ लिख देना, उसको ओलिगो यूरिया भी हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है, उसका GFR भी कम है, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, पहले तो आपने बताना है जी इसके अंदर अब क्या हो रहा है, प्री रेनल फेलियर हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन वो पूछेगा कि हम कौन सा कास्ट देख सकते हैं, आपने बताना है हमने इसके अंदर हाइलीन कास्ट देखना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसको बच्चों डबल टिक कर लो, ये एग्जामिनर प्लेब वाले क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी उसने पूछा हुआ था कि हम इसमें प्री रेनल फेलियर के अंदर कौन सा कास्ट देख सकते हैं, तो आपने बताना है हाइलीन कास्ट इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। हमने ये सारा इसको डायग्नोसिस भी ऐसे ही करना है, सेम है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे भाई, हम उसका GFR देखेंगे, GFR नॉर्मल कितना होता है, शाबाश, किसको पता है GFR नॉर्मल कितना होता है, वो ये तो दास दियो, GFR कितना नॉर्मल है, 100 से 125 तक, वेरी गुड, 120, हाँ 100 से लेके 125 तक आपका नॉर्मल GFR होता है, रेंज इसकी इतनी होती है ना, ठीक है, इतना आपने याद, 90 से GFR कम है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे ही पूछेगा, अब फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बात बता दूं, एग्जामिनर ये जरूर लिखता है जो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन सोडियम की रेशियो है वो कितनी है, आपने बताना है less than 1% इसके अंदर रेशियो है, किसी को पता है इसके अंदर less than 1% क्यों होगी, शाबाश, वो क्यों, हाँ हाँ जी हफ्सा, ये क्यों यूरिन उसके अंदर यूरिन में जाने नहीं दे रहा, एक्सक्रीशन क्यों कम कर रहा है सोडियम की, वेरी गुड शिराज, और भाई जो उसके सोडियम को जो रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं चैनल एपिथीलियल सेल, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, उन पे अभी तक कोई इफेक्ट नहीं आया, वो डैमेज नहीं हुए, इसीलिए वो क्या करेंगे, आपके सोडियम को यूरिन में नहीं जाने देंगे, less than 1% इसकी रेशियो होगी, जाएगा लेकिन less than 1% जा रहा होगा, ठीक है। ये पूछ लेते हैं आपने कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन वाली बात, ओलिगो यूरिया वाली बात, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन रेशियो वाली बात और एपिथीलियल सेल वाली बात, ये जरूर याद रखनी, ठीक है। अब देखिए मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको प्री रेनल फेलियर था, अभी प्री रेनल फेलियर की उसकी एक्यूट स्टेज है, उसको अभी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, मैंने उसको ट्रीट कैसे करना है, सिंपल सी बात है, ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, अब कॉजेज में मैंने आपको क्या क्या बताया था उस सबको ट्रीट करना है। अगर तो मेरे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट आया, मैं इसके अंदर क्या करूंगा, किसी को पता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर मैं क्या करूंगा, हाँ जी शाबाश, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के वाले पेशेंट के अंदर क्या करूंगा, वो दस हो आपको सीरियस में डिटेल में पढ़ाया था, पूरा लेक्चर दिया था, सिस्टोलिक डायस्टोलिक डिसफंक्शन वाले पेशेंट, क्या क्वेश्चन है रिपीट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को मैंने ट्रीट कैसे करना, क्वेश्चन ये है हफ्सा कि अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से उसका प्री रेनल एजोटीमिया हो रहा है तो इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, शाबाश, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर डायूरेटिक्स, देखो बच्चों मैं आपसे यही क्वेश्चन करना चाह रहा था, मैं ये सुनना चाह रहा था कि वो बच्चा डायूरेटिक्स वाली बात करे, देखें मैंने आपको कहा कि किडनी की तरफ बच्चों पहले ही ब्लड कम जा रहा है,
ठीक है, अब किडनी की तरफ ऑलरेडी ब्लड कम है, आपने उसको लूप डायूरेटिक्स दे दी। लूप डायूरेटिक्स ने क्या करना है, एक्सक्रीशन और करनी है भाई, उसको फ्लूइड को और निकाल देना बॉडी से। ठीक है, उसकी सिचुएशन ज्यादा वर्स नहीं हो जाएगी, उसके अंदर सिचुएशन ज्यादा वर्स हो जाएगी। तो हमने इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या करना है, इसको सबसे पहले इनोट्रॉपिक एजेंट देने हैं। इनोट्रॉपिक एजेंट क्या करेंगे, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को जनरेट करवाएंगे। जब वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को जनरेट करवाएंगे, अब वो 12% अगर ब्लड जा रहा था किडनी की तरफ, एटलीस्ट 18 तो 20 तो जाएगा ना, 18 20 तो जाएगा ना उसकी तरफ। जब इनोट्रॉपिक एजेंट दिए, डोब्यूटामीन दी इसके अंदर आपने, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जनरेट हुई, उसके बाद आपने इसके अंदर अगर फ्लूइड एक्सेस है ना, तो लूप डायरेटिक्स दे के निकालना होता है। ठीक है, पहले क्या करना है, इसके अंदर हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को जनरेट करवाना है, इनोट्रॉपिक एजेंट्स देने हैं ताकि थोड़ा बहुत हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो आपका, फ्लूइड जो 25% था किडनी की तरफ, एटलीस्ट 20 तो 18% तो जाए, कंडीशन तो थोड़ी बहुत बेटर हो उसकी, उसका किडनी फेल तो ना हो जाए, सीकेडी में ना चला जाए पेशेंट। ठीक है, इसीलिए क्या करना है, पहले इस पेशेंट के अंदर हमने क्या क्या देना है, हमने इसके अंदर इनोट्रॉपिक्स एजेंट देने होते हैं, फिर उसके बाद हम कंप्लीट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का वो करते हैं ट्रीटमेंट, हम उसमें डायरेटिक्स देते हैं, वो डिपेंड करता है कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर है, डीकम्पनसेटेड है, उसके अकॉर्डिंग बीटा ब्लॉकर्स भी देने होते हैं उसके अंदर। ठीक है, वो फिर डिपेंड करता है कंप्लीट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट पे। पहला इंपॉर्टेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मैंने ट्रीटमेंट बता दिया, क्या करना है इस पेशेंट के अंदर बच्चों, हमने डोब्यूटामिन देनी है, इनोट्रॉपिक्स एजेंट। दूसरा क्या करना है बच्चों इसके अंदर, दूसरा हमने इसके अंदर ये करना होता है कि हम इस पेशेंट के अंदर ना, अगर तो सेप्सिस है, ठीक है, अगर तो सेप्टिसीमिया हुआ, तो हम उसको क्या देंगे भाई, आईवी देंगे क्या, एंटीबायोटिक्स देंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि उस पेशेंट के अंदर क्या हो, अगर तो फॉर एग्जाम्पल सेप्टिसीमिया है तो थोड़ा सा इन्फेक्शन की रेशियो कम हो उसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गई। अगर तो वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग यूज कर रहा है, उसको कहेंगे भाई ये मत यूज करो, कम यूज करो। ठीक है, ये करवाना है, ड्रग सेसेशन करवानी उसके अंदर, उसको ये वाली ड्रग यूज नहीं करने देनी। समझ आ गई ये वाली सारी बातें, ये वाली हमने कैसे करनी है। तीसरा ट्रीटमेंट इसके हम क्या करेंगे भाई, इसके अंदर हम आईवी फ्लूइड देंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि किडनी को 25% ब्लड तो मिले, किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन तो करे। बच्चों इसका यही ट्रीटमेंट है, क्यों, क्योंकि प्री रेनल टिश्यू आ रहा है, हमने ट्रीट द अंडरलाइन कॉज है। अगर तो लिवर सिरोसिस वाला पेशेंट है तो फिर बस अल्लाह के हवाले, दुआई करो उसके लिए। हाँ जी, समझ आ गई। प्री रेनल में से कोई किसी का एक भी क्वेश्चन, ओके अच्छा। अब आपकी बुक में ना उसने एक बात लिखी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आईवी फ्लूइड दिए ना किस कंडीशन के अंदर, बाद में कोई बच्चा उठ के ये ना कहे कि सर आपने बोला था आईवी फ्लूइड देंगे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर, हिपेटो रेनल सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर। ठीक है, एक बात उसने यहाँ पे और क्या लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर बच्चों, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर, ये इस कंडीशन में ना कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, उसने सिंपल क्लियर कट बात लिखी हुई है कि विल नॉट हेल्प। ठीक है, अब मुझे ये बताएं क्यों नहीं हेल्प करेगा, रीजन मैं बताता हूँ यार। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है, फ्लूइड पहले इतना ज्यादा ओवरलोड है, अगर बाहर से आप उसको फर्स्ट लाइन पे आईवी फ्लूइड दे दोगे तो मरीज मरने वाली गल है ना। ठीक है, हार्ट तक के काम नहीं कर रहा है। दूसरी और बात क्या हो सकती है, उसके अंदर हिपेटो रेनल सिंड्रोम है, उसका इशू पता क्या है, उसकी इशू पोर्टल वेन पे है। अब आपके उसके पोर्टल वेन पे इशू है, आप उसको जितना मर्जी वो ब्लड देते जाओ, अगेन पोर्टल वेन से ब्लड जाए, फ्लूइड देते जाओ, पोर्टल वेन से ब्लड जाएगा इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर, फिर ही तो हार्ट के अंदर जाएगा ना, तो भाई फायदा ही कोई नहीं इस कंडीशन में देने के लिए। ठीक है, ये बातें अब आपने खुद याद रखनी है, कॉन्सेप्चुअल बातें दिमाग से याद रखनी है, ये नहीं कहना कि सर ने बोला था कि आईवी फ्लूइड देंगे इसके अंदर, वो भी कंडीशन देखेंगे। अगर तो पेशेंट को हाइपोवोलीमिया है ना, हाइपोवोलीमिया वाली केस के अंदर हम फिर उसको आईवी फ्लूइड देंगे। समझ आई, आईवी फ्लूइड क्यों देंगे भाई, उसकी बॉडी में वॉल्यूम ही कम था, इसीलिए अब उस कंडीशन में आपने क्या करना है, इसको आईवी फ्लूइड देने हैं। ठीक है, समझ में आ गई। यहाँ पे आपका प्री रेनल एजोटीमिया कंप्लीट डिस्कस हो गया, आपकी स्टेप 2 से भी और टेक्स्ट बुक से भी। अब बात करते हैं किसकी, पोस्ट रेनल एजोटीमिया की। ठीक है, पोस्ट रेनल एजोटीमिया कह लें या पोस्ट रेनल अक्यूट किडनी इंजरी कह लें, दोनों बातें सेम ही है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपको पोस्ट रेनल से क्या बात समझ में आती है, ये बात क्या करना चाह रहा है, पोस्ट रेनल का मतलब क्या है। हाँ जी, किसी को पता है, आफ्टर द किडनी, वेरी गुड सिराज बच्चे, इसके अंदर क्या है, किडनी के बाद कोई ना कोई इशू आ रहा है ना, आफ्टर द किडनी इशू आ रहा है। अब आफ्टर द किडनी इशू किधर किधर हो सकता है, अब ये भी मुझे साथ साथ बता दे जाओ, आफ्टर द किडनी इशू किधर किधर हो सकता है, मुझे ये बताएं कार्डिक फेलियर में भी
अब इसका ऊपर से क्वेश्चन आया, 1 मिनट। हफ्सा, क्या कार्डिक फेलियर में भी, देखें आफ्टर किडनी क्या होता है भाई, हमारे पास यूरेटर होता है, कंप्लीट क्वेश्चन लिखे, और क्या होता है हमारे पास, और क्या होता है, ब्लैडर पे इशू हो सकता है, ठीक है, या मतलब उसको यूरेटर स्टोन है, या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है, या उसको प्रोस्टेट कैंसर है, ठीक है, ये तीनों चीजें क्या करवा सकती हैं भाई, आपकी जो यूरेटर है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन करवाती हैं। अगर कैसे करवाती है, अब हम पहले तो इसको पोस्ट एनल को डिस्कस करते हैं ना, इसके नॉर्मल डेफिनेशन लिख दें कि किडनी के बाद कोई ना कोई इशू आ रहा है। अब फिर बात करते हैं इसकी कॉजेज की, ऐसी कौन कौन सी कॉजेज हैं जो आपको क्या करवा सकती हैं, पोस्ट रेनल एक्यूट किडनी इंजरी करवा सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर, हम ब्लैडर को डिस्कस करते हैं, ठीक है, ब्लैडर को डिस्कस किया। फॉर एग्जाम्पल मेरी ड्राइंग, अल्लाह अकबर है, ये देखो ए ऐसे करके यहाँ पे किडनी पड़ी हुई थी, ठीक है, आगे हमारे पास इधर डोम शेप का ब्लैडर पड़ा हुआ था ना, ये मेरे पास यूरेटर आ रहा था, ऐसे ही होती है ये होती तो खैर ऐसे नहीं है, ये किडनी थी, ये यूरेटर था मेरे पास, और ये यहाँ पे ब्लैडर था, और यहाँ पे आगे क्या था, यूरिथ्रा निकल रहा था, यही होता है ना नॉर्मली। अब देखें अगर उसके ब्लैडर पे कोई ना कोई इशू है, यहाँ पे ब्लैडर पे कोई ना कोई इशू, अब ब्लैडर पे क्या क्या इशू हो सकता है, देखें अगर पेशेंट के अंदर क्या है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, जो उसका प्रोस्टेट है वो साइज में बढ़ गया है, ठीक है, ब्लैडर नेक पे ये मसले होते हैं, ये आप लिख लें यहाँ पे, अगर तो यहाँ पीछे इधर ब्लैडर के बिल्कुल पास ना प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ा होता है, ठीक है, जब प्रोस्टेट ग्लैंड आपका साइज में बढ़ जाएगा, ये आपके बच्चों यूरेटर को कंप्रेस कर देगा, जब ये आपके यूरेटर को कंप्रेस कर देगा, जो आपका ये किडनी से ब्लड निकल के ये फिल्ट्रेशन हो गया, यूरिन आ रहा था किधर, आपके यूरेटर में आ रहा था, यूरेटर से आगे किधर जा रहा था, ब्लैडर में जा रहा था, फिर यूरेथ्रा में जा रहा था, अब यहाँ पे इधर करके ऐसे करके यूरेटर की कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई है बीपीएच की वजह से, तो मुझे ये बताएं क्या ब्लड, अब जो फ्लूइड था, जो यूरिन था, वो ब्लैडर के अंदर जा सकता है, शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं जिस चीज को समझ में आई है, क्या अब यूरिन जा सकेगा उतना जल्दी 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 जल्दी, उतना यूरिन जाएगा ब्लैडर के अंदर, नहीं जाएगा, जब उतना नहीं जाएगा तो यूरिन यहाँ पे रुकेगा, यूरिन की स्टेसिस होगी, किडनी के अंदर यूरिन रुक जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। दूसरी कॉज इसमें क्या हो सकती है, आप लिख लें कि अगर किसी को प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कार्सिनोमा हो गया, वो भी क्या करवा सकता है आपका भाई, वो भी आपका क्या करवा देगा, यूरेटर को कंप्रेस करवा देगा और यूरिन को निकलने नहीं देगा। अभी इतनी बात याद रखें कि वो यूरिन को निकलने नहीं दे रहा, मैं बाद में बताता हूँ क्या क्या इस वजह से मसला हो सकता है, ठीक है। तीसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, मुझे कोई ये शाबाश, कोई अच्छा सा बच्चा इसकी रीजन बता दे क्या है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग की वजह से कैसे पोस्ट रेनल फेलियर हो जाएगा, मुझे कोई एक बच्चा ये बता दे, शाबाश, दिल खुश कर जाओगे, नहीं भी आता तो गलत भी बता दो, ब्लॉक द एसिटाइल कोलीन, वेरी गुड, अगर अब आपने एसिटाइल कोलीन को ब्लॉक कर दिया, मतलब हमने ये एंटी कोलिनर्जिक का मतलब ही ये है कि हम एसिटाइल कोलीन को ब्लॉक कर रहे हैं, मैंने आपको कहा था कि पैरासिम्पथेटिक केस के अंदर प्री साइनेप्टिक पे भी एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर होता है, पोस्ट साइनेप्टिक पे भी आपका एसिटाइल कोलीन होता है, याद है कि नहीं ये बात, ये आपको जब मैंने आपको थायराइड की हाइपर थायराइडिज्म वाला टॉपिक पढ़ाया था, वहाँ आपके पैरासिम्पथेटिक केस पे क्या होता था, प्री साइनेप्टिक पे भी और पोस्ट साइनेप्टिक पे भी एसिटाइल कोलीन ही न्यूरोट्रांसमीटर होता था, इस कंडीशन में पता क्या होता है, अब मैं आपको ये सारी बात समझाता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं आ रही होगी, एंड कोलिनर्जिक्स का काम क्या होता है, इनका क्या काम होता है, वेरी गुड फातिमा, ब्लैडर की कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं, वेरी गुड, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट के अंदर पता है आपने कोलिनर्जिक, फॉर एग्जाम्पल कोलिनर्जिक का काम क्या होता है, इसने ना आपके ब्लैडर की कॉन्ट्रेक्शन करवानी होती है, कैसे कॉन्ट्रेक्शन करवानी होती है, जब भी आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, ये जाके आपकी ब्लैडर की कॉन्स्ट्रिक्ट वो करवाता है, कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, किसकी, ब्लैडर की कॉन्ट्रेक्शन, किस मसल्स को मैसेज देता है जाके, हाँ जी शाबाश, ब्लैडर पे कौन से मसल होते हैं, हाँ जी हाँ जी बताओ बताओ, ब्लैडर पे कौन से मसल होते हैं, वेरी गुड शिराज, डिट्रोजर मसल होते हैं, ये जाके डिट्रोजर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, कौन, एसिटाइल कोलीन, ठीक है, डिट्रोजर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, साथ ही जो आपका नीचे इंटरनल स्फिंक्टर होता है जहां से यूरिन ने बाहर आना होता है, ये उसको ओपन करवा देते हैं, पैरासिम्पथेटिक का काम ये होता है, अगर आपने किसी के अंदर पैरासिम्पथेटिक ब्लॉकर यानी कि एंटी कोलिनर्जिक दे दिए, तो मुझे अब खुद बताएं क्या डिट्रोजर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस केस के अंदर, शाबाश जल्दी जल्दी बताएं क्या डिट्रोजर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जल्दी जल्दी बताएं, नहीं करेंगे, तो जब आपके डिट्रोजर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो इंटरनल स्फिंक्टर ओपन होगा, जल्दी जल्दी बताएं, इंटरनल स्फिंक्टर ओपन होगा, शाबाश बताते जाएं, नहीं होगा,
जब इंटरनल स्फिंक्टर उसका ओपन नहीं होगा तो इसकी वजह से यूरिन बाहर निकलेगा ब्लैडर से, नहीं निकलेगा तो भाई यूरिन किधर रहेगा, ब्लैडर के अंदर ही नहीं रुका रहेगा। समझ आ गई ये सब, ये सारी बातें? हाँ जी समझ आ गई सारी बातें। ये वाली एसिटाइल कोलीन पैरासिम्पथेटिक ने आपने क्या किया, डिट्रोजर मसल की कॉन्ट्रेक्शन करवाई, इंटरनल स्फिंक्टर ओपन करवाया, यूरिन को बाहर निकाला। अगर कोई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यानी कि एट्रोपिन यूज कर रहा है, ऑक्सीब्यूटानिन यूज कर रहा है, ठीक है वो कंप्लीट एक क्लास, एक सेपरेट ड्रग है, वो फार्माकोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, आपके डिट्रोजर मसल्स को मैसेज नहीं मिलेगा, इंटरनल स्फिंक्टर ओपन नहीं होगा, इंटरनल स्फिंक्टर ओपन नहीं होगा तो यूरिन भाई बाहर नहीं निकलेगा। ये सारी कॉजेज देख ली हमने। कौन कौन सी कॉजेज बताई मैंने अभी, मैंने किसी बच्चे से दोबारा ये सारी कॉजेज पूछनी हुई है जैसे मैंने पहले शराज से पूछी है, तो ध्यान से सारे बच्चे सुनना ठीक है। दूसरा मैंने इसके अंदर क्या लिखवाया था भाई, अगर आपको किसी ना किसी यूरेटर पे इशू हो गया, ठीक है यूरेटर पे क्या इशू हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट के अंदर किडनी स्टोन था, किडनी स्टोन निकल के किधर चला गया, आपके यूरेटर के अंदर चला गया। जब वो आपके यूरेटर के अंदर चला जाएगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूरेटैरिक स्टोन नहीं बोलते होते? अगर तो यूरेटैरिक स्टोन कितने कितने से कितने एमएम से बड़ा हो तो आगे यूरिन पास नहीं हो सकता, आपने बताना मोर देन 5 mm। अगर तो स्टोन का साइज 5 mm से ज्यादा है, इसका ये देखें इस डायग्राम को यहाँ पे मैं दोबारा बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के ये ऐसे करके यहाँ पे किडनी पड़ी हुई थी, ये मैंने यहाँ से यूरिटर निकाले या मैंने ऐसे ब्लैडर बना दिया, ठीक है मैंने कहा जी ये यूरिटर था, ये किडनी थी और ये ब्लैडर था, ठीक है। अब किडनी स्टोन यहाँ पे पड़ा हुआ था कितने एमएम का, 5 mm का स्टोन पड़ा हुआ था, ये यहाँ से निकला, ट्रेवल किया, आपके यूरिटर के अंदर आ गया। जब यूरेटर के अंदर आएगा तो 5 mm से ज्यादा स्टोन यूरेटर से पास नहीं कर सकता होता, इसने यहाँ पे आके क्या करवा दी बच्चों, ऑब्स्ट्रक्शन करवा दी, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन करवा दी, तो क्या यूरिन बाहर निकलेगा इस पेशेंट के अंदर? शाबाश, जल्दी जल्दी बताते जाएं सारी बातें, इस पेशेंट के अंदर यूरिन बाहर नहीं निकलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूरेटैरिक स्टोन करवा सकता आपका, ठीक है। या अगर कोई ना कोई आपको कैंसर हो गया, मलिग्नेंसी होगी, वही प्रोस्टेट कार्सिनोमा हो गया, उसने भी आपके यूरेटरी को क्या करना, कंप्रेस करवा देगा, यूरिन बाहर नहीं जाने देगा। इस केस के अंदर भी क्या होगा बच्चों, आपकी यूरिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, अगेन उस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, ओलिगो यूरिया हो जाएगा, अगेन उसके अंदर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, प्री रेनल वाली बात याद करो सारी, अगेन उसका GFR क्या कर देगा, कम कर देगा जी। ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे होती है, ठीक है। अब कोई एक बच्चा ये सारी कॉजेज एक्सप्लेन करे मुझे, शाबाश जल्दी जल्दी इन सारी कॉजेज को एक्सप्लेन करे, कौन कौन करेगा, कौन करेगा? जितने मैंने आराम से आपको ये पढ़ाएंगे ना, 2 से 3 मिनट की सारी बात थी, तनु आप ही माइक ऑन कर लेना चाहिए था। अजवद है यहाँ पे? अजवद यार ये आपका टेस्ट नहीं ले रहा, आपको इससे ऐसे अच्छा याद हो जाएगा, अगर कोई पॉइंट नहीं भी क्लियर हुआ तो फिर बाद में अभी बता दूंगा, समझ आ जाएगी फॉर्म से। अजवद अजवद ने कहना मैं है ही नहीं हूँ यहाँ पे, अब भाई मेरा थोड़ा नेट इशू है। अच्छा ओके जी, फिर किससे पूछे, किससे पूछे? हफ्ता बच्चे आप बताओ। हफ्सा पता नहीं क्या, मेरा भी नेट इशू है, मेरे घर में प्रॉब्लम है। अच्छा चलो आपके साथ जो फातिमा है उसको बोलो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। फातिमा बच्चे इसको एक्सप्लेन तो करो, पहले उसने किया शराज ने। बस जल्दी कर लो, टाइम थोड़ा है, फिर अगला टॉपिक भी करना है, इसको कंप्लीट करना है आज। अच्छा शराज आप बोल दो। ओके
पहला आपने बताया था कि प्रोस्टेट, फॉर एग्जांपल ब्लैडर में पोस्ट रीनल के, जो कि आपकी किडनी की बात ऐसी जो आपकी नेफ्रोन वगैरह के नेफ्रोन के अंदर जो वगैरह होती है उनकी वजह से आपके ये काल हो सकता है पोस्टल। इसके अंदर पहला ये था आपके ब्लैडर के पोस्टेट जो होता है ना, अगर किसी बंदे का बंदे पोस्टेट आप प्लेस ना हो तो जब बाय पोस्टेट हैपेंस वगैरह मतलब पोस्टेट साइज बढ़ गया तो जिसकी वजह से आपका जो यूरिनरी होगा वो कंप्रेस हो, जब यूरिनरी कंप्रेस हो जाएगा तो आपका यूरिन जो होगा वो ब्लैडर के अंदर नहीं जा पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। कि सेकंड आप बताया प्रोस्टेट कार्सिनोमा वो भी क्लास क्लास है। उसके अलावा आपने बताया कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं वो भी आपकी क्लास क्लास, वो आपने बताया जो जो पैरासिम्पैथिक होता है ना, पैरासिम्पैथिक के अंदर आपके प्रीनियल और पोस्ट के अंदर आपका इस होता है पैरासिम्पैथिक रिलीज होता है ना, कोलिनर्जिक का काम होता है आपके ब्लड कॉन्ट्रैक्शन, वो ब्लैडर के कंट्रैक्शन करते हैं और आगे से फिर आपका जो आपका स्फिंक्टर होता है इंटरनल स्फिंक्टर जहां से आगे यूरिन पास होता है उसको ओपन करते हैं। अब एक ऐसी ड्रग ले लीजिए को बात करिए या कि एंकोलिनर्जिक ड्रग है जिसके अंदर एट्रोपिन ड्रग्स आती है, उन ड्रग्स उसने आप जो होगा ये ब्लैडर जो होगा डिटॉक्सन बस उसको कंप्रेस ट्रैक नहीं कर पाएंगे और आपका मेरे जिस आवाज आ गई जी आ रही है। जब आपको मसल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज करने यानी एट्रोपिन की वजह से वो आपके ब्लैडर के जो ड्रोजन मसल होगी ना उनको कंट्रैक्शन नहीं करा पाए जिसकी वजह से इंटरनल स्फिंक्टर भी नहीं ओपन होगा और आपका जो आगे पास नहीं हो सकेगा, एक ये काज हो सकता है। उसके अलावा आपने कहा था कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे को किडनी का स्टोन है 5 ml 10 ml से ज्यादा तो आपके ये इतने ml वाले जो स्टोन होते हैं ना वो आपके पास नहीं कर पाते जिसकी वजह से यूरेटर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो आपका यूरिन आगे नहीं जा सकता। अगर किसी बंदे के अंदर यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन के अंदर जहां से आपका यूरेथ्रा किडनी से निकलता होता है वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए उसकी वजह से हो सकता होता है। अगर किसी बंदे का यूरेथ्रा वेसिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए मतलब जब ब्लैडर ब्लैडर के अंदर आपका यूरेथ्रा एडन होगा वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए उसकी वजह से ये काज हो सकता होता है। शाबाश, एग्जैक्ट वही बताया, शर्म कर लो बाकी सारे। अच्छा अब हमने क्या है सारी कॉजेज एक्सप्लेन कर दी कि यूरिन बाहर नहीं जा रहा था। अब देखिए थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। जब बच्चों आपका यूरिन नहीं पास करेगा ना, इसको आगे भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक होता है अर्ली स्टेज, इसके अंदर होती है, एक होती है लेट स्टेज। अर्ली स्टेज में पता क्या होता है, आपका थोड़ा बहुत यूरिन क्या होगा वो उधर जा रहा होगा, मतलब कि रिलीज हो रहा होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत। जब आपको थोड़ा बहुत रिलीज हो रहा होगा, आपके जितने भी प्री रेनल वाले आपने इशू पड़े ना सारे वही होंगे इसके अंदर, ओलिगो यूरिया होगा इसके अंदर, ठीक है, थोड़ा बहुत यूरिन आ रहा है इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा, क्योंकि भाई अब इसके अंदर थोड़ा बहुत वाटर भी अब्जॉर्ब हो रहा है, GFR इसके अंदर क्या कर देगा, कम कर देगा, सारी कॉजेज वही। अब इसमें से क्वेश्चन आता है यार इसका GFR क्यों कम करेगा, उसके अंदर तो ये रीजन थी, GFR इसीलिए कम हो रहा था क्योंकि ब्लड कम आ रहा था। आपने बताना है कि जब यूरिन की स्टेसिस होगी ना थोड़ी बहुत, तो किडनी को ऐसे लगेगा कि मेरे पास अभी वॉल्यूम एक्सेस में है, तो किडनी इटसेल्फ मैसेज देगा कि इसकी तरफ, किडनी की तरफ ब्लड कम लाओ, रेनल आर्टरी में ब्लड कम आए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ही फ्लूइड पड़ा हुआ, एक्सक्रीशन वाला मेरे पास वो पड़ा हुआ मटेरियल, पहले मैं उसको एक्सक्रीट कर लूँ, फिर और ब्लड आए मेरे पास, और GFR है, इसीलिए इसका क्या होगा, इस रीजन में GFR कम हो जाएगा, उसके पास ऑलरेडी मटेरियल पहले ही पड़ा हुआ है, इसीलिए GFR इसके अंदर क्या कर देगा, कम कर देगा। तीसरे इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होगा कि इसके अभी एपिथीलियल सेल ना डैमेज नहीं हुए, एपिथीलियल सेल बिल्कुल काम ठीक कर रहे हैं, ठीक है। जब आपको पता है इसके एपिथीलियल सेल बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, जो आपकी फ्रैक्शन एक्सक्रीशन सोडियम है वो less than 1% होगी, सेम वही क्लिनिकल फीचर, सेम सारी वही इश्यू जो हमने किधर पढ़े हैं, प्री रेनल एजोटीमिया में पढ़े हैं, प्री रेनल अक्यूट किडनी इंजरी में पढ़े हैं, सारी वही बातें, लेकिन इसके ना लेट स्टेज पे जाकर ना चेंज हो जाती हैं बातें। कैसे, लेट स्टेज में ये होता है, अगर फॉर एग्जांपल काफी देर से क्या है यूरिन की स्टेसिस हो रही है, या उसके अंदर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया था, या उसके अंदर प्रोस्टेट कार्सिनोमा है, या यूरेटरिक स्टोन है उसके अंदर ना, वो यूरिन को निकलने ही नहीं दे रहे आगे की तरफ, तो भाई जब एक्सेसिवली उसकी ब्लॉकेज होती रहेगी, यूरिन बाहर नहीं निकल रहा, सबसे पहले इसके अंदर पता क्या होगा, इसके जो एपिथीलियल सेल है ना वो डैमेज हो जाएंगे इसकी, इसके अंदर जब इसके एपिथीलियल सेल डैमेज हो जाएंगे, इसकी वजह से पता क्या होगी, जो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन सोडियम
1% थी ना, अब आपको पता है एपिथेलियल सेल डैमेज हो गया, अब रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी सोडियम की, वो ग्रेटर देन 2% हो जाएगी, ठीक है? अब वो लेस देन पे नहीं होगी, अब वो ग्रेटर देन 2% हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये लिख ले। दूसरी, इसके अंदर और बात क्या होगी, इसके अंदर जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन की रेशियो थी, जो एब्जॉर्प्शन हो रही थी बॉडी में, अब वो नहीं होगी, वो लेस देन 15:1 हो जाएगी इस पेशेंट के अंदर। सारे काम को उल्टा कर दो इसके अंदर, ठीक है? प्री रेनल को उल्टा कर दो, आपका ये पोस्ट रेनल लेट स्टेज एक्यूट किडनी इंजरी बन जाएगा, ठीक है? क्या कर देगा आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन रेशियो, क्या हो जाएगी 15:1 हो जाएगी। और इसके अंदर क्या होगा भाई, इसके अंदर डायल्यूटेड यूरिन होगा। जब आपके एपिथीलियल सेल ही डैमेज हो गए तो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कहाँ होगी इसके अंदर, जो थोड़ा बहुत वाटर है वो भी यूरिन में जाना शुरू कर देगा, इसीलिए क्या होगा इस पेशेंट के अंदर डायल्यूटेड यूरिन होगी। अगेन इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, सारी बातें वही, हम इसके अंदर फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन सोडियम का लेवल देखेंगे, हम इसके अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन की रेशियो देखेंगे इस पेशेंट के अंदर, हम इस पेशेंट के अंदर और क्या देखेंगे। शाबाश, और बताइए इसके अंदर और क्या करेंगे, बताते जाए मुझे क्या करेंगे बच्चों। सिर्फ शराज ही मेरे ख्याल में पढ़ने आए हैं, ये फातिमा तंजीला एक लड़की है बस, और किसी को कोई समझ में नहीं आ रही, बैठे यार आके जा रहा हूँ यहाँ पे अभी भी, शर्म कर लो यार आप सब लोग। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन सोडियम क्या करेगा, 2% से क्या करेगा भाई, ज्यादा हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर, ठीक है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 15:1 इसकी क्या होगी, रेशियो होगी इस पेशेंट के अंदर, ठीक है? ब्राउन ग्रेनुलर कास्ट इसके अंदर नहीं देखते, वो हम एक्यूट होकर नेक्रोसिस वाले पेशेंट के अंदर देखते हैं, हम पोस्ट रेनल एजोटिन में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन की रेशियो क्या होगी, <1:15:1 होगी इस पेशेंट के अंदर। और क्या करेंगे भाई, हम रेनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, देखेंगे कोई किडनी स्टोन तो नहीं है, हम क्या करेंगे KUB करेंगे, KUB का मतलब क्या है, किडनी यूरेटर ब्लैडर स्कैन करेंगे, कोई स्टोन तो नहीं पड़ा हुआ, हम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया को देखेंगे। उसके अंदर हम क्या करते हैं, DRE नहीं करते, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन नहीं करते उसे देखने के लिए, हम प्रोस्टेट कार्सिनोमा को रूल आउट करेंगे, ठीक है? इन सारी चीजों को रूल आउट करेंगे, ये सारी इन्वेस्टिगेशन हम उस पेशेंट के अंदर करवाएंगे। ट्रीटमेंट क्या करना है, अगेन ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, अगर तो उसका यूरेटरिक स्टोन है ना तो भाई हम उसकी स्टोन को रिमूव करेंगे, ठीक है? नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया ना तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम अल्फा रिडक्टेज एंजाइम ब्लॉक कर देंगे इस पेशेंट के अंदर ना, याद है ना आपको वो कौन सी ड्रग थी, हम मतलब बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया को ट्रीट करेंगे। अगर तो प्रोस्टेट कार्सिनोमा है तो हम क्या करेंगे, प्रोस्टेक्टमी कर देंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड इसका रिमूव कर देंगे, ठीक है? ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, ट्रीटमेंट इसका यही है। समझ आ गई कि कोई नहीं आई, किसी को एक पॉइंट भी समझ नहीं आई तो मुझे बता दे, मैं रिपीट कर दूं बाद में, मैंने नहीं कर। बाकी सबको ओके जी, ओके जी, फिर आज के लिए इतना काफी है, फिर
रखें आप सब लोग अपना। फिर मान ला अल्लाह हाफिज।